Good morning, dear children. Welcome to your virtual class of English. My dear students, last time we started chapter number 17 of our grammar book given on page number 18. And the name of the chapter was Position Verbs. Students, let us revise that chapter through its animation. And after that, we will do the worksheets given in this chapter. तो पहले हम इसका एनिमेशन देखते हैं और उसके बाद इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे. Position words. Ritwik does not want to drink milk. He is running from his mother. So, let us help Ritwik's mother to find out where he is. Ritwik is under the table. Ritwik is hiding in the cupboard. Ritwik is sitting on the bed. Ritwik is jumping over the sofa. Here, words like under, in, on, and over are called position words. The words that tell us the position of naming words are called position words. For example, on, in, out, up, down. Let us start doing the worksheets. This is worksheet 1, in which you have to underline the position words in the following sentences. आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं, आपको इनमें पोजीशन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. नंबर 1, द टाइगर इज इन द जू. तो इसमें पोजीशन वर्ड क्या है? इन. आप इसे क्या कर देंगे? अंडरलाइन. नंबर 2, देयर इज अ ग्लास ऑन द टेबल. तो यहाँ पर पोजीशन वर्ड क्या होगा? ऑन. नंबर 3, द मंकी इज ऑन द ट्री. तो पोजीशन वर्ड को आपने फाइंड आउट करना है और उसे अंडरलाइन करना है. नंबर 4, द टॉयज आर इन द बॉक्स. टॉयज बॉक्स के अंदर हैं. तो पोजीशन वर्ड को ढूंढना है और उसे अंडरलाइन करना है. नंबर 5, The dog jumped over the fence. ये dog ना jump कर रहा है over the fence. तो यहाँ पर position word को ढूंढ कर आपको उसे underline करना है. Number 6, The shoes are under the chair. And the last one is Sonia is hiding behind the door. दरवाजे के पीछे छुपी हुई है. तो आपने पोजीशन वर्ड ढूंढ कर उसे अंडरलाइन करना है. दिस इज वर्कशीट 2. यू हैव टू लुक एट द पिक्चर्स एंड टिक द करेक्ट सेंटेंसेस. आपको एक पिक्चर गिवन है और उसी के सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जिनमें डिफरेंट पोजीशन वर्ड्स को यूज़ किया है. आपने पिक्चर को देखना है और करेक्ट सेंटेंस को टिक करना है, यानी किस सेंटेंस में करेक्ट पोजीशन वर्ड यूज हुआ है. अब इसमें देखिए, द बुक्स आर अंडर द टेबल. क्या बुक्स टेबल के अंडर है? द बुक्स आर ऑन द टेबल. बुक्स टेबल के ऊपर हैं. द बुक्स आर इन द टेबल. टेबल के इन अंदर हैं. तो इनमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? द बुक्स आर ऑन द टेबल. सो यू विल पुट अ टिक हियर. यहाँ पर आप टिक कर देंगे क्योंकि पिक्चर के अकॉर्डिंग हमारा सेकंड सेंटेंस करेक्ट है. ओके, नाउ नंबर 2, दिस इज द पिक्चर, है ना? तो सेंटेंसेस हम रीड करेंगे. द पेंसिल्स आर ओवर द ड्रॉअर. The pencils are on the drawer. The pencils are in the drawer. ठीक है, ये pencils
कहाँ हैं? ये आप ड्रॉअर ओपन है, यहाँ पर पेंसिल्स हैं, तो आपने देखना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा, उसी पर आप टिक कर देंगे। ओके, थर्ड, ये पिक्चर है, इसमें दीवार पर पोस्टर लगा हुआ है ना। नाउ रीड द सेंटेंसेस। द पोस्टर इज इन द वॉल, द पोस्टर इज अंडर द वॉल, द पोस्टर इज ऑन द वॉल। तो ये आपने देखना है और करेक्ट सेंटेंस को टिक करना है। नाउ फोर्थ पिक्चर इज दिस एंड द सेंटेंसेस आर द बॉल इज ओवर द चेयर, द बॉल इज ऑन द चेयर, द बॉल इज अंडर द चेयर। जो भी होगा, बॉल चेयर के कहाँ है उसको देखते हुए आप सेंटेंस को टिक कर देंगे। एंड लास्ट वन इज, ये डक्स हैं पॉन्ड में, द डक्स आर इन द पॉन्ड, द डक्स आर ऑन द पॉन्ड, द डक्स आर ओवर द पॉन्ड। तो करेक्ट सेंटेंस आपने देखना है कौन सा है और उसको आपने टिक करना है। नाउ वर्कशीट थ्री, लुक एट द पिक्चर्स एंड चूज द करेक्ट पोजिशन वर्ड्स टू कम्प्लीट द सेंटेंसेस। पिक्चर को देखना है, आपको एक सेंटेंस गिवन है और उसके साथ थ्री ऑप्शंस गिवन है पोजिशन वर्ड्स के। आपने पिक्चर के अकॉर्डिंग करेक्ट पोजिशन वर्ड चूज करके ब्लैंक में फिल करना है। दिस इज द फर्स्ट पिक्चर, अ टाइनी माउस इज डैश द बॉक्स। टाइनी माउस बॉक्स के कहाँ है, इन, ऑन या अंडर? ऑन है ना, इसके ऊपर बैठा है, तो यू विल राइट हियर ऑन। नंबर टू, देयर इज वॉटर डैश द ग्लास। ग्लास में वॉटर कहाँ है, ऑन, इन या ओवर? तो करेक्ट पोजिशन वर्ड टिक करके आप यहाँ ब्लैंक में लिख देंगे। नंबर थ्री, ये आपकी थर्ड नंबर की पिक्चर है, देयर इज अ स्क्विल डैश अ ट्री। ठीक है, देयर इज अ स्क्विल डैश अ ट्री। अब आप यहाँ पर एक करेक्शन करेंगे, यहाँ पर जो एट गिवन है उस एट को कट करके आप ऑन लिख देंगे। तो क्योंकि स्क्विल कहाँ है, ऑन द ट्री है, तो आप यहाँ लिखेंगे देयर इज अ स्क्विल ऑन अ ट्री। ठीक है, नंबर फोर, दिस इज अ कैट, देयर इज अ कैट डैश द मैट। कैट कहाँ है, अंडर द मैट, ऑन द मैट और इन द मैट। नाउ फिफ्थ, लुक एट दोज फ्रेश फ्रूट्स डैश द बास्केट। इन द बास्केट, अंडर द बास्केट और ऑन द बास्केट। एंड द लास्ट वन इज, माई पेट डॉग कैन ईजिली जम्प डैश द बुश। अब ये बुश के ऊपर से जम्प कर रहा है, तो आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ओवर, ऑन या इन? तो आप खुद डिसाइड करेंगे और उसको फिलअप में लिख देंगे। नाउ वर्कशीट फोर, विच इज ऑफ यूसेज इन कॉम्पोजिशन। फरहान वॉन्ट्स टू टेल यू वट द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली आर डूइंग। कंप्लीट द पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द पोजिशन वर्ड्स इन द ब्लैंक्स। फरहान बताना चाहता है कि उसके ये फोर फैमिली मेम्बर्स क्या कर रहे हैं। I have four members dash my family. तो four members कहाँ हैं, in my family. My brother is working dash the laptop. Brother कहाँ काम कर रहा है, on the laptop. Mother is cooking pasta dash the kitchen. मम्मा पास्ता कहाँ बना रही हैं, in the kitchen. Father is searching for his spectacles dash the dining table. अब पापा अपना चश्मा कहाँ ढूंढ रहे हैं, under the dining table, है ना? So you will fill
correct position word and will write that in the blank. Now, one question of life skill. Manu gets many books on her birthday. Manu ko uske birthday par bahut sari books mili hain. How do you think he should keep them? आप बताइए उसे उन्हें कैसे रखना चाहिए. थ्रो देम ऑन द टेबल, टेबल पर फेंक दें. कीप देम इन अ बुक शेल्फ, एक बुक शेल्फ पर रख दें. तो क्या करना चाहिए उसे उन बुक्स के साथ? यस, कीप देम इन द बुक शेल्फ, बुक शेल्फ पर रख देना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी सभी चीज़ों को अरेंज करके रखना चाहिए ना, ताकि हमें अपना काम करना आसान रहे और मम्मी भी नहीं परेशान होगी, है ना? सो यू विल डू दीज वर्कशीट्स इन योर ग्रामर बुक. एडवाइजरी वर्क, यू विल डू एक्सरसाइजेस ऑफ लेसन 17 इन ग्रामर बुक. सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. Goodbye.